X-rays of wavelength lambda falls on a photosensitive surface of negligible work function so that the de Broglie wavelength of the emitted electrons will be root h lambda upon 2mc where m is the mass of the. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक फोटोसेंसिटिव कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है. वैसे रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं कि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, बट इन्होंने बोला है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसी मेटल है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, नेग्लिजिबल. वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल होने का मतलब बच्चों, इस पे जैसे ही कोई भी लाइट पड़ेगी इससे इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए कोई मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो ऐसा उन्होंने दिया है कि अगर इसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मींस बहुत कम है, अप्रॉक्स जीरो है, और इस पर लैम्डा वेवलेंथ की एक्स रे जा रही है, जो एक्स रे जा रही है उनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा. अच्छा, तो कह रहे हैं कि उसके गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भाई आपको बताना, जब किसी मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है, किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, तो अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है, और इस इमिशन को बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस इमिशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये लैम्डा वेवलेंथ की लाइट गिरने से, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब जब लाइट गिरेगी तो इस मेटल पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, है ना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन. तो इन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी ये हमको बतानी. तो हमारा काम यह होगा कि हम निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की पहले काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे. भाई वर्क फंक्शन तो जीरो हो गया, अगर हम यहां पे आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दें, फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू. वैसे तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू होता था जब न्यू फ्रीक्वेंसी होती थी, बट यहाँ पे चूंकि लैम्डा दिया है तो डायरेक्ट वेवलेंथ वाला लिख दिया, क्योंकि हमको पता है ना न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा. तो रियल इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, के बराबर, वो होती है एच न्यू माइनस डब्ल्यू. तो बच्चों वहां पे वैल्यू पुट कर दिया तो ये बन गया, बहुत बढ़िया बच्चों. बट वर्क तो क्या है, जीरो है. तो इसका मतलब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या मिलेगी, के इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस जीरो. क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग जीरो. तो इस समय के बन गया एस सी अपॉन लैम्डा. अच्छा बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की. जब इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, क्योंकि डी ब्रोगली जी ने बताया था ना कि जितनी भी मैटर्स हैं, जो भी मोशन में है पार्टिकल, सबकी एक वेवलेंथ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो वो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लाइट के गिरने से उनकी, या एक्सरे के गिरने जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, तो ये होती है बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहां वी होती है वेलोसिटी. इसी को अगर हम चाहें तो हमको ये भी वही पता है कि के इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की होती है वो क्या बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के. तो यहां से बच्चों वी की वैल्यू निकल सकती है, क्या निकलेगी, टू के अपॉन एम. अगर ये वैल्यू यहां रख दें तो लैम्डा का एक और फार्मूला बन जाएगा एच अपॉन एम वी, वी की वैल्यू रूट में टू के अपॉन एम. तो देखो एक एम से ये रूट वाला वो एम ना, तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपॉन रूट में टू के एम. देखो रूट एम से ऊपर नीचे समझो मल्टीप्लाई किया गया तो नीचे एम बाहर आ जाएगा, एम एम कट जाएगा, ये बच जाएगा. अच्छा जब लैम्डा निकल आया बच्चों, ठीक है, तो के की वैल्यू पुट करके हम बाकी बातें कर सकते हैं. ये लैम्डा लेकिन किसका है,
ये बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, लैम्डा डी कह दें, अच्छा यही डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालनी है। तो यहां पे के की वैल्यू ये रख दीजिए बच्चों, जब के की वैल्यू रखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, देखो लैम्डा डी मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपान टू के, के की वैल्यू बच्चों एस सी अपान लैम्डा और इनटू एम, देखो क्या किया के की जगह रख दिया एस सी अपान लैम्डा, बाकी सब वैसे ही रखा, ये रूट लैम्डा ऊपर पहुंच गया तो लैम्डा डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों एच, ठीक है, और एच देखो नीचे है तो रूट एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एच बाहर आ जाएगा, मतलब ऊपर कुल मिला के रूट एच बच जाएगा, है ना, पता है ना ये कैसे होता है बच्चों, नहीं पता, अच्छा चलो करके दिखा देते हैं, रूट एच से मल्टीप्लाई रूट एच से डिवाइड, नीचे रूट एच, रूट एच क्या बना रूट एच बाहर आ गया, यानी कि हमारे पास बचेगा एच अपान एच रूट एच अपान क्या बचेगा बच्चों, देखो एच तो बाहर चला गया तो बचा क्या हमारे पास 2cm अपान लैम्डा। अब देखो बच्चों एस से एस तो क्या हो गया कैंसिल हो गया तो लैम्डा डी की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये रूट लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो रूट एच है और रूट लैम्डा पहुंच गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट में एच लैम्डा अपान 2mc। सो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रूट एच लैम्डा अपान 2mc। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।